नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B में जो है, जो चैप्टर 5A में है ना। अब मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो मकसद है, जो मोटिव है, वो यही है कि अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर सकूं, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो मैं अबेटमेंट में भी बता चुका हूँ। अगर आपने अबेटमेंट नहीं देखी हो तो आप, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए, है ना। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ही यही है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो डिफरेंस है वो भी मैं क्लियर कर सकूँ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो भी आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अबेटमेंट जो है वो आया कब था, 1860 ये आईपीसी 1860 में बना था, ठीक है। 1860 में ये वो बना था अबेटमेंट। तो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो इसमें था, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक और बार लाने की क्या ज़रूरत थी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5 है, जो नया अमेंडमेंट आया, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1913 में आया था। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस ये नई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक मतलब ऐसा नहीं था कि 1860 में ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, ये बाद में आई है। जो अमेंडमेंट हुआ है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1913 में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जोड़ा गया, चैप्टर 5A जो है वो जोड़ा गया था। तो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की क्या ज़रूरत थी, जब वो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी और चीज़ वही सेम टू सेम थी। तो इसका जो एक मकसद था वो अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और मैंने बहुत जोर दिया था कि उस टाइम पे अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तभी होगी कि एग्रीमेंट हो गया और साथ में एक एग्रीमेंट के ऊपर एक एक्ट हो गया। अगर ए और बी को किसी का मर्डर करना है तो सिर्फ एग्रीमेंट होने से काम नहीं होता, सिर्फ एग्रीमेंट हो गया उन दोनों के बीच में तो काम नहीं होता, उन एक जो एग्रीमेंट हुआ उसके बेसिस पर, उसके परसुएंस में कोई एक्ट होना ज़रूरी है। कि मान लो उसने चाकू ख़रीदा है या कुछ काम किया है या पॉइजन खरीदा, कोई भी एक्ट उससे रिलेटेड होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि मान लो कि अब तो हम डिजिटल, जो पूरी दुनिया है वो बहुत डिजिटल हो गई है ना, तो अब व्हाट्सएप के मैसेज भी चेक किए जा सकते हैं जहाँ तक मुझको पता है, या फिर मैसेजेस नॉर्मली जो चेक हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो पांच छह लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार यहाँ पर हमको बम का बम धमाका करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो करना है। अब पुलिस वाले देख रहे हैं कि भाई ये तो बस कॉन्स्पिरेसी तो कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब बातचीत ही तो कर रहे हैं, इनका एग्रीमेंट ही हुआ है बस। अगर 1860 वाले जो अबेटमेंट वाले उसकी बात करें हम, अगर ये नहीं आया होता तो ये तो पुलिस वाले देख रहे होते यार ये बात ही तो कर रहे हैं, मैं पकड़ूँ कि नहीं पकड़ूँ, और पकड़ूंगा भी तो उन्होंने कुछ गुनाह तो किया नहीं है, तो पुलिस वाले तो सिर्फ देखते रहते बेचारे। लेकिन अब ये जो आ गया है, इन्होंने उनका काम आसान कर दिया है। कैसे कि अगर ये लोग बात भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो आप इनको पकड़ सकते हो, यहाँ पर एक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। एग्रीमेंट हो गया, आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी, पांच छह लोग, दो से ज़्यादा लोग, क्या ज़रूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, दो से ज़्यादा लोग, या तो दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों ने अगर एग्री कर लिया एक कोई ऑफेंस करने के लिए, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, तो फिर आपने क्या कर दिया, आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी, एक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर ए और बी ने आपस में एग्री कर लिया है कि हाँ हमको मारना है, उसको मारना है, तो बस उनका ये एग्रीमेंट ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी, एग्रीमेंट ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये थोड़ा एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखें, या तो कोई इलीगल एक्ट, या तो एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल हो गया है। मतलब कि आपको अगर कोई चीज़ बुलवानी है, कोई कारोबार बुलवानी है या कुछ भी बुलवानी है, तो वो कोई इलीगल तो है नहीं, लेकिन आप इलीगल तरीके से अगर बुलवा रहे हो तो इलीगल बन जाता है वो। तो यही चीज़ वो बात करता है, अगर या तो आप कोई इलीगल एक्ट करो, दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई या तो एक इलीगल एक्ट करे, या कोई ऐसा एक्ट जो कि इलीगल है तो उसको भी इलीगल बना देता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीज टू डू और कॉज टू बी डन,
एन इलीगल एक्ट और एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है लेकिन हो जाता है इस तरीके से। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, ए बी सी डी ई आपस में एग्री करते हैं कि हमको बैंक रॉबरी करनी है, तो कर भी लें या नहीं भी करें इट डजंट मैटर, कर भी लें या नहीं भी करें इट डजंट मैटर। अब उन्होंने एग्री कर लिया एक ऑफेंस के लिए, एक क्रिमिनल एक्ट के लिए, तो एग्रीमेंट ही काफ़ी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। लेकिन लेकिन अब प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन एक है, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयर ऑफ। ऑफेंस के अलावा कोई भी एक ऐसा एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा अगर उसके खिलाफ एक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो मतलब है, इलीगल एक्ट बोला गया, कोई ऑफेंस नहीं बोला गया। और अगर इलीगल अगर आप वर्ड देखोगे तो सेक्शन 43 में तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़, या तो एक ऑफेंस इलीगल एक्ट में या तो एक ऑफेंस आएगा या प्रोहिबिटेड बाय लॉ आएगा या फिर कोई एक ही ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सिविल एक्शन लिया गया है। तीनों चीज़ इलीगल है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है प्राइवेट प्रोवाइडेड में कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो कोई ऑफेंस के लिए तो वो नो डाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन ऑफेंस के अलावा अगर आप कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो उसके ऊपर एक्ट होना ज़रूरी है, उसके ऊपर एक्ट होना ज़रूरी है ऑफेंस के अलावा। ऑफेंस के लिए सिर्फ आपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ओके, इसके अलावा कुछ बात कर रहे हो आप, इसके अलावा कुछ और एक्ट करने की ज़रूरत, कुछ एक्ट और एक्ट आप सोच रहे हो करने की, तो उसके ऊपर एक्ट होना ज़रूरी है, कुछ उसके उसके परसुएंस में कुछ और होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने वो बात करी थी अबेटमेंट में, सिर्फ एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्ट होना एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट के परसुएंस में कि हाँ लगे कि हाँ आप वो काम करने जा रहे हो। तो ऐसे ही है यहाँ पे, ऑफेंस आपने कर लिया तो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर ली, लेकिन इसके अलावा कुछ आप काम कर रहे हो, कुछ और एक्ट कर रहे हो तो फिर आपको कुछ एक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने एक्ट नहीं किया तो आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी, तो आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। ये मैटर नहीं करता कि आपने अगर ऑफेंस किया है तो ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था क्या, आप चाहते थे क्या अल्टीमेट, आप चाहते थे क्या एक्ट करना, या फिर आप कुछ काम कर रहे थे गलती से भटक गए और आपने ऑफेंस कर दिया, ये मैटर नहीं करता। आपने किया है क्या कोई और एक इंटेंशन के साथ, आपने किसी को मारा है क्या, मैटर नहीं करता ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था या नहीं था, या फिर आप भटक गए। आपने मारा है तो आप किस चीज़ के लिए लायबल हो गए, दो तीन लोग मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो गया। ये क्या बात करता है 120A क्या बात करता है कि होती क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि क्या होती है। अब बात करते हैं 120B की, 120B क्या होती है। 120B बात करता है पनिशमेंट की, पनिशमेंट के बारे में क्या बात करता है कि कोई भी एक ऐसा ऑफेंस जिसकी जो पनिशमेंट है या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 2 साल की, या तो कोई एक ऐसा क्राइम कमिट करता है, कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जिसकी या तो पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक के लिए, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। अगर कोई ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसकी पनिशमेंट उस, और हाँ इन तीनों ऑफेंस में अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस जो कि इस IPC में जो कि इस में नहीं दिया हुआ है, उसकी पनिशमेंट इसमें नहीं दी हुई है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। उसकी पनिशमेंट वही होगी अगर वो आदमी उस ऑफेंस को अबेट करता तो उसकी पनिशमेंट क्या होती, वही पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपको दी जाएगी। अगर आपने किसी का मर्डर किया है, किसी का नहीं मतलब अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ है मतलब फांसी है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 2 साल की है, या फिर एक ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट IPC में नहीं दी हुई है, तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, वो पनिशमेंट मिलेगी जो कि आप अगर वो क्राइम का अबेटमेंट करते तो जो आपको मिलती वही आपको मिलेगी।
और अगर आप इसके अलावा कोई क्राइम करते हो, इसके अलावा मतलब कि या तो आप एक ऐसा क्राइम जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ नहीं है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं है जिसकी 2 साल की सज़ा है मिनिमम, या फिर कोई एक ऐसा पनिशमेंट जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, जो कि आईपीसी में नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा कोई आप क्राइम करते हो तो उसकी सज़ा क्या है? मिनिमम 6 साल की सज़ा है, या फिर फाइन है, या फिर दोनों है। ठीक है, तो 102 भी बात करता था पनिशमेंट की, 102 है बात करता था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। बेसिकली जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है बिल्कुल सिमिलर ही है, मेन अंतर यही था कि यहाँ पर एग्रीमेंट होना ही काफ़ी है, सिर्फ एग्रीमेंट कर दिया कि ये काफ़ी है आपकी लायबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।